हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर आर के सिंह द नॉलेज जंक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोग लगातार इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि मेरे सब्सक्राइबर लगातार बढ़ रहे हैं, और आप लोगों की जो रिक्वेस्ट थी कि मैं अब प्रैक्टिकली डेमो दिखाया करूँ, तो इसीलिए अब मैं अपने हर एक वीडियो में CCTV प्रोडक्ट का प्रैक्टिकल डेमो शो कर रहा हूं। आज हम लोग शो करेंगे कि हिकविजन IP कैमरे का IP कैसे फाइंड आउट करें और उसके बाद उसका पासवर्ड रीसेट कैसे करें। तो इसका पार्ट वन आपने देखा होगा, उसमें IP फाइंड आउट करने के लिए मैंने SADP टूल का यूज करके डिटेल बताया हुआ था। आज हम इस सेकेंड पार्ट में SADP टूल का यूज करके पासवर्ड रीसेट करना सीखेंगे, फाइल को कैसे हम इम्पोर्ट करेंगे, उसके बाद उसको कौन सी मेल आईडी पे आपको शेयर करना है, तो उसको support@pramahikvision.com पर जो भी फाइल आपको इंपोर्ट होती है वहाँ पे सेंड करना है। उसके बाद उस फाइल का यूज करके वहाँ से एक आपको इनक्रिप्टेड फाइल दी जाएगी, और उसको आप इंपोर्ट जब कर लेंगे अपने सिस्टम में, इंपोर्ट करने के बाद उस फाइल से आप पासवर्ड रीसेट कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलते हैं, कैमरा कनेक्ट है, स्क्रीन पर हम देखते हैं आगे का प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चलते हैं, क्योंकि यहाँ कैमरा पहले से ही कनेक्ट किया हुआ है। तो अब हम इस पर टिक कर लेते हैं, सर्च होके वहाँ पे आ रहा है, टिक कर लेंगे तो बाकी ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे। आपको कैमरे का पासवर्ड रीसेट करना है तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो रहे होंगे। आप फाइल को एक्सपोर्ट कर लीजिए सबसे पहले कैमरे की। एक्सपोर्ट करने के बाद आप किसी एक पर्टिकुलर फोल्डर में सेव कर लीजिए। तो मैं डेस्कटॉप पे CCTV कैमरा फोल्डर है, मैं उसमें अपनी ये फाइल को सेव कर लेता हूँ। फोल्डर एक सेलेक्ट कर लेंगे तो उस फोल्डर में मैं सेव कर रहा हूँ। इसके बाद एक्सपोर्टेड ये आपका आ गया, ये सक्सेसफुल हो गया है। इसके बाद अब आपको यही इसी फाइल को support@pramahikvision.com पर मेल करना है। मेल करते टाइम आप ये ध्यान रखें कि जब आप मेल कर रहे हैं तो वहाँ डिजिटल सिग्नेचर में आप अपना नेम, कंपनी डिटेल, कॉन्टेक्ट नंबर ज़रूर मेंशन करें, जिससे कि वो लोग आइडेंटिफाई कर पाएँ कि आप चैनल पार्टनर हैं, CCTV इंस्टॉलर हैं या कस्टमर हैं। उसी के अकॉर्डिंग वो आपको जल्दी रिप्लाई प्रोवाइड कराएंगे। तो जब आप support@pramahikvision पर मेल करेंगे तो वहाँ से वो लोग इसका एक इनक्रिप्ट फाइल बनाकर आपको सेंड कर देंगे। जब वो फाइल आपके पास आ जाती है तो आपको सबसे पहले वो फाइल डाउनलोड कर लेना है। मैंने अभी फाइल को सिस्टम पे डाउनलोड कर रखा है, सिर्फ मैं आपको मेल पे शो कर रहा हूँ। तो ये इनक्रिप्टेड फाइल इस तरह की आपको मिलेगी, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपको फिर वहीं पर जाना है SADP टूल पर, जहाँ पर आपने फॉरगेट पासवर्ड किया हुआ था। तो आप फिर SADP टूल ओपन कर लेंगे, आप इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये टूल ओपन हो गया है, फिर से हम वहीं पे जब फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको इंपोर्ट फाइल का ऑप्शन दे रहा है। जो फाइल वहाँ से मिली है वो फाइल को सिलेक्ट करके आप इंपोर्ट कर लीजिए। ये हमने इनक्रिप्ट फाइल जो है इम्पोर्ट कर लिया है, इंपोर्ट करके इसको ओपन कर दीजिए, और जो भी पासवर्ड आपको नया पासवर्ड देना है वो पासवर्ड यहाँ पर टाइप कीजिए। पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ये कोई भी पासवर्ड आप यहाँ सेट कर सकते हैं, मैंने अपना एक इसमें पासवर्ड सेट कर दिया है। उसके बाद जब आप कन्फर्म करेंगे तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो सेव सक्सेसफुली का मैसेज आपको आ जाएगा। तो ये अब हम आगे इसको कन्फर्म करते हैं। ये देखिए आपका सेव सक्सेसफुली आ गया है पासवर्ड। तो इस तरह से ये अब हिकविजन के IP कैमरे का पासवर्ड रीसेट हो चुका है। उम्मीद है दोस्तों आपको बताई गई जानकारी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। तो आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अब मैं प्रैक्टिकल जानकारी आपको लगातार इस चैनल पर शेयर कर रहा हूँ।